दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस कमाल के प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की शख्सियत का ताल्लुक हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही बड़े घराने से है, जिसकी कई पीढ़ियों ने बॉलीवुड पर राज किया और उस परिवार ने ना जाने कितने ही सुपरस्टार्स निकाले और आज भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की। शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कपूर खानदान के बारे में ना सुना हो, अगर वो सिनेमा प्रेमी है तो। लेकिन हम पृथ्वीराज कपूर जी से लेकर रणबीर कपूर के अलावा कितने और सदस्यों के बारे में जानते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही एक सदस्य हैं जो कि कपूर खानदान से निकले और बेहद सफल भी रहे, लेकिन उसके बावजूद शायद लोग इन्हें बाकी चर्चित सदस्यों की चकाचौंध में भूल गए। ये बताना होगा कि पृथ्वीराज कपूर जी 30 के दशक में काम करने वाले कपूर खानदान के एकमात्र प्रमुख अभिनेता नहीं थे, उनके छोटे भाई भी उनके बाद फिल्मों में आए। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज कपूर जी के छोटे भाई त्रिलोक कपूर जी के बारे में। अपने भाई पृथ्वीराज कपूर जी की तरह उन्होंने भी 1930 के दशक में उभरती हुई हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया और त्रिलोक जी उस समय के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक थे। आउटलुक मैगजीन में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक पृथ्वीराज कपूर जी दीवान बशेश्वर नाथ कपूर जी के पहली शादी से बेटे थे। बाद में दीवान जी ने दूसरी शादी की जिससे उनके 6 बच्चे हुए। त्रिलोक कपूर जी उन सब में सबसे बड़े थे। त्रिलोक कपूर जी का जन्म 11 फरवरी 1912 को पेशावर में एक पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। त्रिलोक कपूर जी ने अपनी पढ़ाई पेशावर से पूरी की और उसके बाद 1928 में वो कलकत्ता आ गए, जहां पर त्रिलोक जी को स्वतंत्रता आंदोलन ने अपनी ओर खींचा। दीवान बशेश्वर नाथ कपूर जी को त्रिलोक जी की बहुत चिंता सताती थी और उन्होंने अपनी चिंता को बड़े सुपुत्र यानी पृथ्वीराज कपूर जी के साथ साझा किया। पृथ्वीराज कपूर साहब उस समय बंबई में थे और नई स्थापित हिंदी फिल्म उद्योग में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। पृथ्वीराज जी ने पिताजी को सुझाव के रूप में छोटे भाई त्रिलोक को बंबई बुलवाने के लिए कहा, जहां पृथ्वीराज जी त्रिलोक जी को भी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। पिताजी और बड़े भाई की सुनने के बाद त्रिलोक कपूर जी फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाने लगे और 1933 में प्रफुल्ल घोष द्वारा निर्मित फिल्म 4 दरवेश से अपना फिल्मी करियर शुरू किया, जिसमें त्रिलोक जी के साथ अंगूर बाला, करण देवी और बिनॉय गोस्वामी भी थे। इसके बाद उसके अगले ही साल त्रिलोक जी ने देवकी बोस द्वारा निर्देशित 1933 की क्लासिक हिट सीता में लव की भूमिका निभाई। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर जी ने राम, गुल हामिद जी ने लक्ष्मण और दुर्गा खोटे जी ने सीता की भूमिका निभाई। त्रिलोक कपूर जी 1930 और 1940 के दशक के एक प्रमुख अभिनेता बन गए थे और कई वर्षों तक सबसे अधिक मेहनताना पाने वाले फिल्म स्टार में से एक रहे। उन्होंने सुपरहिट फिल्म मिर्जा साहिबान में नूरजहां जी के साथ नायक के रूप में काम किया। ये नूरजहां जी के पाकिस्तान जाने से पहले 1947 में भारत में उनकी आखिरी फिल्म थी। त्रिलोक जी को नलिनी जयवंत, सुशीला रानी पटेल, मीना शौरी और सुलोचना जैसी उस समय की प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ काफी फिल्में करने का मौका मिला, लेकिन नूरजहां जी के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया। उन्होंने अख्तर हुसैन साहब की फिल्म प्यार की बातें में नरगिस जी के साथ भी काम किया, जो कि उस समय की एक सुपरहिट फिल्म रही। त्रिलोक कपूर जी ने बाद में पौराणिक यानी माइथोलॉजिकल फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। उन्होंने होमी वाडिया की 1948 की फिल्म श्री राम भक्त हनुमान में राम की और विजय भट्ट की 1954 की महाकाव्य रामायण में भगवान शिव की भूमिका निभाई। त्रिलोक जी ने माइथोलॉजिकल फिल्मों में कई भूमिका निभाई और निरूपा रॉय जी के साथ करीब 18 फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें आमतौर पर त्रिलोक जी शिव जी और निरूपा राय जी पार्वती की भूमिका निभाते थे। शिव और पार्वती की भूमिकाओं में त्रिलोक कपूर और निरूपा रॉय जी इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनकी तस्वीरें बाजार में कैलेंडर और पोस्टर्स के रूप में हाथों हाथ बिक जाया करती थीं। एक जोड़ी के रूप में उनकी लोकप्रियता 1950 की फिल्म हर हर महादेव के बाद बढ़ी,
जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने त्रिलोक जी के करियर को नई दिशा दे दी और इसके बाद वे ज्यादातर माइथोलॉजिकल फिल्मों में नजर आने लगे। त्रिलोक जी ने 1955 की फिल्म एकादशी में माला सिन्हा जी के साथ नायक के रूप में भी अभिनय किया। वे नाना भाई भट्ट की 1951 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रामजन में मुख्य भूमिका में भी नजर आए। त्रिलोक जी ने निरूपा रॉय और शाहू मोदक जी के साथ 1955 की सुपरहिट फिल्म वामन अवतार में भगवान विष्णु की भूमिका निभाई, जिसमें कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया हिट गाना तेरे द्वार खड़ा भगवान था। उनकी फिल्मों के भक्ति गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे भोलेनाथ से निराला फिल्म हर हर महादेव का गीत, या तेरे द्वार खड़ा भगवान फिल्म वामन अवतार का गीत, या पिंजरे का पंछी फिल्म नागमणि का गीत। वामन अवतार फिल्म में उन्होंने विष्णु जी के बौने अवतार की भूमिका भी निभाई थी। 1940 से 1950 का दशक वो दशक था जिसमें माइथोलॉजिकल फिल्में ज्यादातर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर हावी थी। त्रिलोक जी ने 1962 में अपने बैनर टीके फिल्म्स के तहत एक फिल्म शिव पार्वती का भी निर्माण किया, जिसमें उन्होंने शिव जी की भूमिका निभाई, रागिनी जी ने पार्वती की भूमिका निभाई और जीवन जी ने नारद मुनि की भूमिका निभाई। इतनी सारी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाने के बाद त्रिलोक कपूर जी 1970 के दशक तक चरित्र भूमिकाओं की तरफ मुड़ गए। त्रिलोक कपूर जी ने अपने पूरे करियर में कभी भी खाली समय नहीं देखा और आखिर तक फिल्मों में सक्रिय रहे। त्रिलोक कपूर जी ने अपने 50 साल के लंबे हिंदी फिल्म करियर में तकरीबन 120 फिल्मों से भी अधिक फिल्मों में काम किया। इतने बड़े फिल्मी खानदान से आने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1933 की फिल्म चार दरवेश, 1934 की फिल्म सीता, 1939 की फिल्म अछूत, 1946 की फिल्म धरती, 1947 की फिल्म मिर्जा साहिबान, 1948 की फिल्म राम भक्त हनुमान, 1950 की फिल्म हर हर महादेव, 1950 की महान फिल्म रामायण उनकी कुछ चुनिंदा फिल्में रहीं, जिनमें उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और जिनको लोगों ने काफी पसंद किया था। 70 के दशक के बाद 1973 की फिल्म कच्चे धागे, 1978 की राम से भाइयों की डरावनी फिल्म दरवाजा, 1980 की राम से भाइयों की ही डरावनी फिल्म सबूत, 1984 की राम से भाइयों की फिल्म पुराना मंदिर और 1985 की राज कपूर जी सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली रही। त्रिलोक कपूर जी के दो बेटे हैं, विक्की कपूर और विजय कपूर। विक्की कपूर पेशे से एक राजनीतिज्ञ और वकील हैं और विजय कपूर जी ने फिल्मों को डायरेक्टर के रूप में अपना पेशा चुना। यूनियन पार्क चेंबूर बंबई में उनका बंगला उस इलाके के आखिरी बचे बंगलों में से एक है, जिसका नाम अब त्रिलोक कपूर मार्ग रखा गया है। आज कपूर परिवार के हर सदस्य की बात होती है, लेकिन त्रिलोक कपूर जी का बहुत ही कम जिक्र किया जाता है। त्रिलोक कपूर जी के बाद कपूर फैमिली के कई सदस्यों ने आने वाले वक्त में फिल्मों में एंट्री की, हर तरफ उनकी चर्चा हुई, लेकिन दुख की बात है कि त्रिलोक कपूर जी को भुला दिया गया। उस कपूर को भुला दिया गया जिसने हिंदी सिनेमा में 50 साल तक काम किया। 23 सितंबर 1988 को त्रिलोक कपूर जी का देहांत हो गया। उनकी आखिरी फिल्म 1988 में उनके बेटे विजय कपूर द्वारा निर्देशित टेलीफिल्म आकांक्षा रही। दोस्तों, आप भी त्रिलोक कपूर जी के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर त्रिलोक कपूर जी से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और आपके चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि इस चैनल का मकसद इन सभी भूले कलाकारों को श्रद्धांजलि देना है, जिनको हम सब ने पर्दे पर कई बार देखा और गौर किया है, लेकिन शायद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दोस्तों, आप अब हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इंस्टा के जरिए हम ऐसी और भी नई रोचक जानकारियां डालते रहेंगे और इसके जरिए आप भी फिल्मी सेपियन परिवार से
और भी मजबूती से जुड़ जाएंगे। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।